The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू करी है, कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड टेस्ट की सीरीज, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, कम ज़्यादा होते हैं तो क्या क्या कारण हो सकता है, आपको समझा रहे हैं। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, उसमें हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रेड ब्लड सेल्स RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, हिमेटोक्रिट, ये सब क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होता है और उसका नॉर्मल रेंज कितना, मतलब नॉर्मल यदि गड़बड़ होती है तो मोटा मोटी बात क्या होती है। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जब आपका RBC हीमोग्लोबिन या हिमेटोक्रिट कम हो जाता है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। ज्यादा होने वाला वीडियो ऑलरेडी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आ जाएगा, ओके। सो पॉइंट इज कि हीमोग्लोबिन जो कि RBC रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, जो कि ऑक्सीजन लेके आपके खून को, खून में से ऑक्सीजन, लंग्स में से ऑक्सीजन लेके सारे शरीर में जाता है, वो अगर आपके शरीर में कम हो जाए तो उसका क्या कारण है। हिमेटोक्रिट का ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि आरबीसी का परसेंटेज जो आपके ब्लड में है वो कम हो जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है। सबसे कॉमन कारण है ब्लड लॉस, कि आपके अंदर खून ही की कमी है, खून ही कहीं बह रहा है, चाहे दिख रहा है आपको लैट्रिन में खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, उल्टी में खून आ रहा है, चोट लग गई खून बह गया, या नहीं दिख रहा है कि लैट्रिन थोड़ी काली सी आ रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है लैट्रिन में। कई बार ऑकल्ट ब्लड, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो रही है, सडन ब्लीडिंग, सडन ब्लड लॉस या ऑकल्ट ब्लड लॉस, इन सबसे आपको लो हीमोग्लोबिन, लो ये सब कारण होते हैं, राइट। सेकेंड रीजन जो इसके साथ पाया जाता है वो है आपका बोन मैरो। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो है जो जगह पे आपके ब्लड के सेल्स बनते हैं, जहाँ पे आपके RBC, WBC सारे ब्लड सेल्स बनते हैं। तो अगर बोन मैरो में ही प्रॉब्लम है तो बोन मैरो, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कोई रेडिएशन थेरेपी हो गई आपको किसी प्रकार के कैंसर के लिए, कीमोथेरेपी हो गई, या आपका कोई इन्फेक्शन हो गया बोन मैरो के अंदर, या बोन मैरो का कोई ट्यूमर हो गया, उन सब केसेस में हो सकता है कि बोन मैरो से नॉर्मल सेल्स की मात्रा निकलनी कम हो जाए, और हो सकता है ट्यूमर के केसेस में एबनॉर्मल सेल्स ज़्यादा निकल रहे हैं तो नॉर्मल सेल्स कम हो जाएंगे। तो ऐसे केस में भी RBCs और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। थर्ड कॉमन रीजन जो है वो है RBCs का टूट जाना, हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब RBCs जो है, जो बन भी रहे हैं वो अपनी उम्र से पहले 120 दिन से पहले ही टूट रहे हैं किसी कारणवश। क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे कॉमन कारण है वायरसेस एंड बैक्टीरियाज, वायरस बैक्टीरियाज पैरासाइट, राइट। पैरासाइट जैसे मलेरिया का पैरासाइट, वायरसेस, कई वायरसेस होते हैं, डेंगी वायरस और दूसरे भी बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि RBCs को डैमेज करते हैं, प्लेटलेट्स को डैमेज करते हैं, प्लेटलेट काउंट कम करते हैं। सो हमें उन सब बीमारियों से पता चलता है कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन टूट रहा है, और कई बार एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल RBC बन रहा है तो भी हीमोग्लोबिन टूट जाता है, यानी RBC तो टूट जाएगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। एबनॉर्मल चीज़ों को आपका स्प्लीन जो बनी हुई है आपके लेफ्ट साइड में स्टमक के नीचे, दैट इज ऑल्सो वन वर्क्स की वो एबनॉर्मल RBCs को पकड़ पकड़ के तोड़ देती है। सो एबनॉर्मल RBCs, ब्रेकडाउन ऑफ RBCs, हीमोलिसिस अपने आप में एक कारण है, तो उसके कारण ढूंढने होते हैं कि क्यों, अगर आपके अंदर हीमोलिसिस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उस केस में अगर हीमोलिसिस हो रहा है तो आपके अंदर बिलिरुबिन भी ज़्यादा आएगा, बिलिरुबिन ज़्यादा होगा तो खुजलियाँ हो सकती हैं बॉडी के अंदर, जॉन्डिस भी साथ में हो सकता है, राइट। उसके अलावा कैंसर अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, कैंसर का ट्रीटमेंट भी, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट में भी हीमोग्लोबिन और खून की कमी पॉसिबल है। खून की मतलब हीमोग्लोबिन, RBCs, हेमाटोक्रिट कम, राइट। इसी के अलावा ऑलमोस्ट सारी ही क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिजीजेस, जैसे कि कोई क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, किडनी डिजीज, किडनी में अगर क्रोनिक प्रॉब्लम है तो किडनी से ही आपकी एक हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रो मतलब RBCs, पोएटिन मतलब बनाना, सो इरिथ्रोपोएटिन यानी RBCs बनाने वाले जो हार्मोन है वही कम बनेगा किडनी से जो बनता है, तो ऑब्वियसली RBCs बनने की स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे RBCs कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे हर किडनी वाले पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज वाले को, इसलिए उसको इरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, राइट। तो किडनी क्रोनिक डिजीज, वैसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस, या पेट की कोई भी क्रोनिक डिजीज हो जाए
उस केस में आपका एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम आ जाता है, मैल एब्जॉर्प्शन हो जाता है कि आपके अंदर वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वो आयरन वो कम एब्जॉर्ब हो रहा है, वो विटामिन B12, वो फॉलिक एसिड, वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो इतने कम है कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं, बना ही नहीं पा रही है जो RBCs हीमोग्लोबिन बनाना चाहिए. सो इस कारणवश अल्सरेटिव कोलाइटिस या पेट में मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को भी ये दिक्कत हो जाती है. तो ये थी दूसरी क्रोनिक बीमारी. वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देखा गया है, आर्थराइटिस में क्रोनिक इन्फ्लामेशन के चलते जब आर्थराइटिस भी कई सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है तो इन सारे कारणों की वजह से आर्थराइटिस में भी ब्लड की कमी हो जाती है, राइट. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, इसके अलावा जो हमने बताया ऑलरेडी, पुअर डाइट, अगर आप वैसे ही खाना सही से नहीं खाते, गलत खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, या बहुत ही ज़्यादा नहीं खाना खाते, सिर्फ कोला कोल्ड ड्रिंक या वट एवर इट इज, राइट, आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते तो विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड, इन सब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी, B6 भी इंपॉर्टेंट है, जिनके वजह से आपको हीमोग्लोबिन आयरन की कमी हो सकती है. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. उसके अलावा ब्लड कैंसर मैं बता चुका हूँ, ल्यूकीमिया, उसके अलावा मैं बता चुका हूँ अगर आपको चोट लग जाए, एनीमिया हो जाए, ये सारी बीमारियों के वजह से आपके खून की कमी आ सकती है, राइट. पाइल्स, हीमोरॉइड्स, फिशर्स, ये सब बीमारियां ऐसी हैं, क्रोनिक लिवर फेलियर, इसोफेजियल वेराइसिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, पेट में अल्सर है, धीरे धीरे खून रिस रहा है, खून बह सकता है. सो बहुत सारे सिंपल कारण हैं हीमोग्लोबिन की कमी के. इलाज बहुत सिंपल है, पहले आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो ब्लड चढ़ाया जाता है, कारण ढूंढा जाता है, कारण के हिसाब से इलाज होता है. आई होप आपको समझ आया, मज़ा आया. देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन. अब आगे आपको मिलेगा वीडियो WBCs पे, WBC कैसे बढ़ते हैं, कैसे कम होते हैं, वो वीडियो बहुत जल्दी आएगा और ये सीरीज चलती रहेगी, डोंट वरी. टेक केयर, बाय बाय, सी यू.